Sagar Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ अधिराज सिंह गौर। छोटे मुंह बड़ी बात के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि अब तक के हुए लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक बार किस महिला को सांसद बनने का गौरव हासिल हुआ है। लोकसभा चुनाव पर नज़र डालें तो मध्य प्रदेश के इंदौर से सुमित्रा महाजन सर्वाधिक 8 बार महिला सांसद के रूप में देश की शान बढ़ा चुकी हैं। सुमित्रा महाजन 9वीं बार लोकसभा से 16वीं लोकसभा के चुनाव तक 8 बार लगातार विजयी रहीं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी कुल 6 बार सांसद बनी। सोनिया गांधी पहली बार अमेठी से और फिर लगातार 5 बार रायबरेली से लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई हैं, जबकि पीलीभीत लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद मेनका गांधी इसी सीट से कुल 5 बार से सांसद हैं। मध्य प्रदेश से ही राजमाता विजय राजे सिंधिया को 7 बार लोकसभा सांसद बनने का मौका मिला है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश से ही मिनी माता अगमदास हैं 5 बार, सहोदरा बाई 4 बार लोकसभा के लिए चुनी गई थी। यूपी के अलीगढ़ लोकसभा सीट से सबसे अधिक बार शीला गौतम के नाम 4 बार लगातार सांसद चुने जाने का रिकॉर्ड दर्ज है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी लोकसभा के लिए 3 बार सांसद चुनी गईं। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी के नाम 3 बार सांसद चुने जाने का रिकॉर्ड दर्ज है। डॉक्टर राजेंद्री कुमारी वाजपेयी सीतापुर लोकसभा सीट से 1980, 1984 और 1989 में चुनी गई थी। मेरा ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए इस पर अपना आशीर्वाद जरूर दें और देखते रहें आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।